ST Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories near old auto office Mahabub Nagar. कैसा यहाँ पे फंसे? वेस्ट बंगाल से। हाँ, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से है। कितने दिन से यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी 28 का काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ, अभी आ गया, इधर डेढ़ महीना हो गया। हाँ, डेढ़ महीने से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो लॉकडाउन से क्या हुआ, खाना नहीं खाया आप दो दिन से? लॉकडाउन का मतलब अभी कर्फ्यू होने की वजह से। अभी तो कल से खाना नहीं मिला। खाना नहीं मिला? नहीं। तो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर खाना आपको दे रहे बोल रहे ना? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर तो दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टर अभी गांव में चला गया ना। हाँ, अभी गांव में चला गया, उसको फ़ोन किया, वो बोला ठीक है तो खाना मिल जाएगा। अभी तक खाना नहीं मिला, अभी पैसा भी नहीं भेजा वो उधर से। इसलिए मैं फ़ोन किया था एक आदमी के गाँव में, तो गाँव में आदमी फ़ोन किया था और गाँव में एक आदमी, हाँ फिर एक आदमी वो भैया को फ़ोन किया, अभी जिधर इधर था। हाँ, वो तो आदमी को फ़ोन किया था। हाँ, फ़ोन करके फिर मेरे को रेशन दिलाया आज 5 बजे। हाँ, वो देखे गया। तो आप लोगों को खाना मिल गया? अभी कौन ला के दिया खाना? अभी भैया था इधर ही। हाँ, वही लेके गया था। तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन आया था, हमारी SIO जो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो ऑल ओवर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे को एक इन्फॉर्मेशन आया था कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल के लोग, थोड़े वो लोग यहाँ पे अटके हुए हैं, उन लोगों के लिए खाने की पे? ये कलेक्ट्रेट जो न्यू बिल्डिंग जो कलेक्ट्रेट बन रही, तो वो एरिया में लोग अटके हुए हैं, उन लोगों के लिए 2 दिन से या 3 दिन से कुछ खाने के लिए राशन के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम लोग आए, मैं देखा, हम लोग चारों मेंबर्स मिल के आए हम लोग, तो 14 मेंबर्स के लिए जितना राशन हो सकता वो राशन लेके आए। आए बाद में मैं जो इन मेंबर से मिला था साबिर हंग का, उनसे बैठ के बात कर रहा हूँ, बात करे बाद में उनसे मालूम ये पड़ा कि यहाँ पे सिर्फ 14 मेंबर नहीं बल्कि मोर देन 70 मेंबर्स, यानी अराउंड 73 मेंबर्स यहाँ पे अटके हुए हैं, डिफरेंट स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, UP, बिहार, कर्नाटक और ऐसी कई स्टेट्स के लोग हैं सर। तो मैं इमीडिएटली क्या कर रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन फोटोज सब ले लेके इन्फॉर्मेशन मैं रमा राजेश्वरी मैडम, जो हमारे SP मैडम है, SP मैडम को ट्वीट करा। मैडम इमीडिएटली विद इन फैक्चर ऑफ मिनट्स इमीडिएटली मेरे को रिस्पॉन्ड करे और घर के बोले कि आपके साथ आप जाइए, SI हमारे पास आ रहे। तो SI साहब आए यहाँ पे, SI साहब रमेश, SI साहब आए और आए के बात करें, उन लोग भी सबको बुलाए एक जगह इकट्ठा करें, तो अराउंड 73 मेंबर्स हैं। तो ये बात है कि इन लोगों के 2 या 1 हफ्ते से अराउंड इन लोगों के पास पैसे थे ख़त्म हो गए, अब बाहर जाएंगे तो भी खर्चा ऐसा बढ़ गया कि जा नहीं सकते, लॉकडाउन है जा नहीं सकते, और ख़रीदेंगे वो तो पैसे नहीं। तो फिर हम लोग सब बात करें, बात करके फिर हम कॉल करें हमारे शाह शबगुट्टा यूथ के एजाज अहमद को,
और अल्ताफ, तो लोग इमीडिएटली अलहमदिल्ला अल्लाह का फजल है, लोग इमीडिएटली रेस्पॉन्ड हुए। इमीडिएटली 75 मेंबर्स के लिए, अराउंड 80 मेंबर्स के लिए जितना फूड प्रोवाइड हो सकता, खाने का इंतज़ाम करें। अलहमदिल्ला लोगों की आज की भूख जो दो दिन से भूखे थे वो लोग अलहमदिल्ला आप खा लें। और SP साहब, SI साहब हमारे को ये वायदा करें कि कल इन लोगों के जो भी राशन ज़रूरत पड़ेगी आइंदा कमिंग 15 डेज या 1 मंथ के लिए, इंशाल्लाह वो लोग प्रोवाइड करेंगे। और SIO जमात इस्लामी और यूथ जो साशा बुट्टा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग भी वायदा करेंगे, वो भी अपने तौर पे मॉनिटर करेंगे ये एरिया को, और जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उसका उन लोगों की हेल्प करेंगे, एदर फूड या राशन वाइज। शताब्दी टाउनशिप की एक और नई पेशकश, सिल्वर स्प्रिंग ग्रैंड लग्जरी गेटेड कम्युनिटी के शंपेट, DTCP अप्रूव लेआउट के साथ 500 फीट रीजनल रिंग रोड से लगा हुआ माचरला फार्मासिटी के करीब, तमाम डेवलपमेंट्स के साथ 3700 में एक गज 147 गज के प्लॉट्स भी दस्तियाब हैं। सिल्वर स्प्रिंग ग्रैंड टाउनशिप मल्टीनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब, सिल्वर स्प्रिंग ग्रैंड टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाइए और सिल्वर स्प्रिंग ग्रैंड प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाइए।